हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। मेरे यमी फूड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बिना गैस के, बिना मावे के थ्री लेयर वाली बर्फी। तो आइए देखते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको मैंने किस तरह से बनाया है, इसके लिए मैंने बिस्किट्स लिए हैं। इसके लिए मैंने एक जो पार्टी जी का बड़ा बिस्किट पैकेट आता है वो मैंने पूरा पैकेट लिया है। और उसको लेने के बाद क्रश करके हम इसको एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। ये मिक्सी में जार में डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से, इसका एक फाइन पाउडर हम इसका तैयार करेंगे। ये देखिए, इसका मैंने ये फाइन पाउडर तैयार कर लिया है एकदम, और हम इसको एक बोल में डाल देंगे। ये सारे मैंने पीस लिए हैं और इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम हाफ ऑफ कर लेंगे। ये जो पाउडर है मैंने हाफ ऑफ कर लिया है। एक बोल में एक पिंच मैंने इसमें ये वनीला एसेंस डाला है, और आधा कप हम दूध लेंगे। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छे से हम डो बना लेंगे। इसका दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और ये देखिए, इस तरह से ये मैंने इसका एक डो बना लिया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से ही हमारा सॉफ्ट डो मैंने ये रेडी कर लिया है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं, और जो मैंने दूसरा पार्ट लिया था अभी हम उसकी तैयारी करते हैं। उसमें मैंने एक चम्मच कोको पाउडर डाला है। अब हाफ कप जो मिल्क लेंगे उसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें एक इसका डो रेडी कर लेंगे। दूध को हमें बहुत थोड़े हिसाब से हमें डालना है, सारा दूध हमें नहीं डालना है। इसको हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है, उसी के हिसाब से हमें इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। और देखिए, इस तरह से मैंने इसका भी डो रेडी कर लिया। ये मैंने एक कप ग्रेटेड कोकोनट लिया है, इसमें एक चम्मच मलाई डालेंगे। मलाई ऑप्शनल है, आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। और इसमें चार चम्मच मैंने इसमें ये पाउडर शुगर डाली है। चीनी आप अपने टेस्ट अनुसार ले सकते हैं। मैं इसमें एक पिंच पाइनएप्पल एसेंस डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे, इसका एक डो रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने रेडी कर लिया है, इसको भी हम साइड में कर देते हैं। अभी हम एक कंटेनर ले लेंगे, उसमें जो मैंने ये वनीला एसेंस वाली जो लेयर ली थी इसको हम अच्छे से, इसको एक स्क्वायर ब्लॉक में हम रेडी कर लेंगे। इसको एक अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसी। अब हमने जो वाइट वाला जो कोकोनट बनाया था, ऐसे हम इसके ऊपर इसकी भी एक लेयर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसकी भी लेयर ऐसे तैयार कर ली है। हम एक स्पून की हेल्प से इसको एकदम फ्लैट कर लेंगे। और इसके बाद जो हमने कोकोनट का जो हमने डो बनाया था, अब हम इसके ऊपर वाली लेयर रख देंगे, और इसको आराम से धीरे धीरे करके इसको भी हम एक स्क्वायर ब्लॉक में ही ऐसी एक फ्लैट बना देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसकी तीनों लेयर बना दी है। अभी हम इसको फ्रिज में रख सेट करने के लिए 15 मिनट के लिए। देखिए, 15 मिनट बाद मैंने निकाल लिया इसे फ्रिज में से, और ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको एक निकाल लेते हैं। इसे मैंने बटर पेपर लगा दिया था, इससे बहुत ही ईजिली निकल जाता है बटर पेपर से। मैंने बहुत इजीली इसे निकाल दिया है, और ये अच्छे से सेट भी हो गया है। अभी ये आप देख सकते हैं, इसकी तीनों लेयर हमें दिखाई दे रही है, और ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हम इसके पीस कट कर लेंगे। तो देखिए, मेरी तीन लेयर वाली बर्फी तैयार है, जो कि बिना गैस की है, बिना मावे के, और झटपट तैयार होने वाली है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे बेल आइकन को दबाएं, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। और मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।